बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। इस चैप्टर में हम वन बाय वन, मैंने आपको बताया था, वन बाय वन सब चीज़ें करते चलेंगे। तो एक मिनट इसको सही लगा लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, तो आपकी तीन टाइप के प्रोडक्शन है। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, होता है ना, गांव में आप चले जाइए, आपका एक खेत दिया हुआ है, ठीक है, खेत में आप क्या देखेंगे कि केमिकल के फर्टिलाइज़रों का यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए। कुछ लोग जो थोड़े समझदार से, उन्हें पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी, तो वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और थर्ड वन, जो बहुत ही ज़्यादा होशियार समझ लीजिए, तो वो क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब इससे उनको प्रोडक्शन भी तो अच्छा चाहिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सबसे अच्छा है मेरी नज़रों में, बट वो इतनी जल्दी आपको, यानी आपको चाहिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इतना अच्छा आपको प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। उसमें क्वालिटी होगी, बट हाई यील्ड के लिए आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, अब हम क्या करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, हम क्या कर रहे हैं यार, बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्यों चाहिए GMO, ठीक है ना, GM क्रॉप क्यों चाहिए हमें, GM क्रॉप इसलिए चाहिए ताकि हम इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन कर सकें, है ना, फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकें अपना। अब देखिए इसके बाद आते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। आप ध्यान से समझ लीजिए, ग्रीन रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आपके इवन GK में भी बनते हैं। आप सोचें कि आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सिर्फ बायोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे आप इसे, ग्रीन रिवोल्यूशन हर एक फील्ड में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो अगर इंडियन फादर आपसे पूछा जाए तो मस्ट याद रखिएगा आप MS स्वामीनाथन, ओके, कौन है वो, MS स्वामीनाथन। इन्होंने 1990 में क्या किया था, ग्रीन रिवोल्यूशन लाए थे ये, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब ये तो इंडिया में लाए थे, लेकिन अगर आपको इंडियन साइंटिस्ट का नाम ना दिया ऑप्शन में, तब आप घूम जाएंगे, कहेंगे मैम आज तो क्वेश्चन पेपर बाहर से आ गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, द फर्स्ट फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे, इंडियन फादर कौन है आपके, MS स्वामीनाथन है, और अमेरिकन जो हैं आपके, जो फर्स्ट फाउंडर कहे जाते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मल इंसान होता है, ऐसे याद रखिए, नॉर्मल इंसान है, तो नॉर्मन बोर कर रहा है भाई, नॉर्मल इंसान ये बोर कर रहा है, तो बोरलॉग हो गए, ओके। चलिए आगे मूव कर लेते हैं, बहुत मुश्किल था वो एक महीना यही सारी चीज़ें सोचने में। फ्रेंड्स देखिए, आप मेरे बहुत क्लोज हैं, आपसे मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ पढ़ाते टाइम, तो जब चैनल गया तो दुख तो बहुत था, बट मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा मैं दोबारा से ग्रो करूँगी, टाइम लगेगा, आई नो कि हर चीज़ को मुझे वहाँ उतने मुकाम तक पहुँचने में, मोनेटाइजेशन कराने के से पहले वाला जो वो नाइन डेट को मेरा मोनेटाइजेशन होने ही वाला था, तो उस टाइम तक पहुँचने के लिए मुझे 1 ईयर लग गया, समझ रहे हैं। और आप मुझसे शुरू से जुड़े तो आप ये भी जानते हैं कि मेरी 350 प्लस वीडियोज़ जो थी वो डिलीट हुई हैं। कोई नहीं, दोबारा से बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ट्रिपलिंग फूड सप्लाई, अब देखिए MS स्वामीनाथन ने क्या किया, जो इंडिया था वहाँ पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही, आपको पता है सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन है इंडिया की। अब उस पॉपुलेशन की वजह से फूड सप्लाई हमें ज़्यादा नीड हुई, ठीक है ना, तो उन्होंने ट्रिपलिंग फूड सप्लाई, यानी डबल भी नहीं, ट्रिपलिंग फूड सप्लाई कर दी। MS स्वामीनाथन ने क्या किया, ट्रिपलिंग फूड सप्लाई बढ़ाने के लिए, जो कि बढ़ा तो दिया उन्होंने, कर तो दिया इतना, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं रही, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि ट्रिपलिंग यील्ड करने के बाद भी वो सफिशिएंट नहीं रही, ओके। तो इंक्रीज यील्ड, अब इन्होंने क्या किया, इंक्रीज यील्ड करने के लिए इन्होंने क्या क्या टेक्निक अपनाई, इन्होंने अपनाया इम्प्रूव क्रॉप वेरिएशन, क्रॉप वेरिएशन में भी इन्होंने इम्प्रूव कर दिया, कुछ तो वैरायटी इंप्रूव करी होगी तभी तो यील्ड हाई मिला। फिर बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जितनी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं है हम खेती में हल ले जाके आज के टाइम में हल से जोत रहे हैं खेती को, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस की हेल्प से, यानी कि खेत में अनाज बोने से लेके उसे लास्ट तक, है ना, जो उसको उठा के अनाज गोदाम में डाला जाता है,
या घरों में रखा जाता है तब तक वो सेल नहीं होता, मार्केटिंग नहीं होती उसकी, तब तक का जो पूरा प्रोसेस है वो सब बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर आएगा। यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज़ किए आपके फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को, ठीक है ना। पेस्टिसाइड आप यू नो कि आप यूज़ करते हैं, हमारे पेट में ही जाता है और फर्टिलिटी को भी डिस्ट्रॉय करता है ना। बट क्या करें यार, आज भी लोग खेत में अगर देखा जाए तो बिना क्रॉप उगती नहीं है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ किए बिना, इतनी जल्दी उस पर इंसेक्ट पेस्ट लग जाता है। चलिए आगे मूव करते हैं।